आ जाइए, चाय पी लीजिए। नाश्ता तो मैंने कर लिया था सवेरे बहुत, लेकिन अब 11 बजे मुझे चाय को मन करा, तो मैं अब थोड़ी सी चाय ले रही हूँ मखानों के साथ। पत्ती थोड़ा कुछ ज़्यादा डल गई चाय में आज मुझसे। आ जाइए पी लीजिए। बर्तन भूल गए मेरे, बर्तन भी मैंने धो लिया आज रात में, धुले थे मुझसे क्योंकि मैं थक गई थी, तो मैंने बर्तन धो। ये आ गई रैक, और इसको हम कर रहे हैं अब सेट। रैक हो जाएगी अब सेट। भूंगे भी है कुछ हमारे पास, कुछ भूनने वाले पीस है, कुछ भूंगे हैं। कदम कदम बढ़ाया जा, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे, जहाँ जहाँ भी होंगे सब खुश खुर्रम होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी जगह, सेहतियाब होंगे, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती सबको दे, सबके साथ मुझे भी दे। तो देखो आज मैं शाम से शुरू कर रही हूँ, अब हो रहा है 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बज रहे हैं, तो बस अब मैं कुछ मेहमान आ गए थे हमारे यहाँ, मैं उनके साथ में उलझ गई तो बात नहीं हो सकी। तो देखो फिर अब मैं बात कर रही हूँ, अब असर की अज़ान हो जाएगी थोड़ी देर बाद, फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी असर की, मैंने सोचा चलो ये आपसे मिला जाए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करें, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ छोटे छोटे बयान। आपके दांत मुबारक के दरमियान से नूर निकलना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया के सामने के दोनों दांत कुशादा थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के दोनों दांत कुशादा थे, और इनके इन कलाम कुशादा थे, दौरान कलाम इनके दरमियान से नूर निकलता महसूस हुआ होता था। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करें तो आपके मुंह मुबारक से नूर निकले। सुभान अल्लाह। एक फ़र्ज के बारे में, फ़र्ज नमाज के एक एक रुकन का असर। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो शख्स नमाज का एक एक रुकू करता है, हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, जो शख्स नमाज का एक एक रुकू करता है या एक एक सजदा करता है, तो इसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है और इसकी एक गलती माफ़ कर दी जाती है। सुभान अल्लाह। एक सुन्नत के बारे में, हर आने वाले के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़िबले का ये बदतरीन शख्स, कबीले का ये बदतरीन शख्स है। और जब वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और खुश मिजाजी से पेश आए, फिर वो चला गया। देखो हमारे हुजूर की यही तो है सारी अच्छाई है। एक नफली अमल की फजीलत, सदका से शैतान को नुकसान। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी चीज़ को सदक़े में निकाल लेता है तो 70 शैतानों के जबड़े टूट जाते हैं। देखो सदक़े का यही तो है कि सदक़ा दिया रद्द बला, ये सुना हमने बड़ों से। एक गुनाह और इसका नुकसान, लोगों की इज्जत से खेलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख में कुछ ऐसे बदनसीबों को देखा जो तांबे के नाखूनों से अपने चेहरों को और सीने को खुरच रहे थे। इनके बारे में हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, ये वही लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे और इनकी इज्जतों से खिलवाड़ करते थे। बताओ ये सारी दुआएं हैं ऐसी ऐसी। चलिए अच्छा, देखो ये छोटे छोटे से ये जो हैं बयान मैं आपको डेली सुना रही हूँ, सुनाती रहूँगी इंशाल्लाह। आपको भी सेहत रख के दे और मुझे भी सेहत दे साथ में। अब आपको सेहत होगी तो आप देख पाओगे, मुझे होगी तो मैं आपको सुना पाऊँगी। तो इसलिए चलिए फिर मैं कल फिर लेकर आऊँगी छोटे छोटे से बयान आपके लिए। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी, कल मिलूँगी फिर लेके छोटा सा वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चार्लस के ऊपर भी खूब आ रहा है। ये 12 मासी अमरूद हैं जिनको 12 मासी बोलते हैं, कि हर मौसम में आते रहेंगे वही वाले हैं ये। बस मेरा तो दिल खुश हुआ इनको देख देख के। अब हुआ है ऐसा मौसम कि हमारे बचपन में था, बहुत ही बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ भी। पुदीना में भी बहुत ज़ायका आ रहा। आ जाओ ले लो पुदीना और खा लो चटनी। हरे पुदीने वाले देखो, सर्दियों के अमरूद आ गए। अब इसके ऊपर वो आ रहा है सर्दियों के अमरूद, छोटा छोटा शुरू हो गया आने। ये उनमें से ना यहाँ लगवा दिए भैया ने। अब बहुत अच्छे लग रहा है, अब खिलेंगे शाम को ये फूल चमेली के। अब तो कम हो गया है ना, अरे वाह कम हो गया। अब तो पहले तो बहुत बहुत सारे खिल रहे थे। इनको तो आप जानती हो, देखे हुए हैं ये गुडल वुडल तो सब। गुडल के फूल रख लिया कर, बहुत काम की चीज़ है गुडल के फूल। उसका ना तेल पकाएंगे। इसकी भी कटिंग हो गई बेचारे की, इसकी भी कट गई। और देखो ये वाला अमरूद भी, इसको भी आ रहा है अमरूद। अब सर्दियों का शुरू हो गया फल आना। देखो सर्दियों के आ रहे हैं अमरूद, खाने को दिल चाहे बस खा लो। बैंगन के पेड़ भी दिखाना रही, बस देखो रहे बैंगन के पेड़। बैंगन आएंगे और 15 दिन में बैंगन आने लगेंगे। आ रहा फूल तो उसके ऊपर। एक पेड़ यह है, एक गमले में है और एक वहाँ है उधर।